हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ आज के इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बार फिर से दिया। और आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। सच में आज की मीटिंग के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। तो सच में जैसे आज हमने गवाहियों को सुना कि परमेश्वर सच्चा है और वह वफादार है, और वो जितनी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए करता है, जैसे वचन भी हमें बताता है, वह सभी क्या है, लाभ की है ना। तो परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। जैसे आज भी जब हम प्रेयर कर रहे थे, वो परमेश्वर से बोल रहे थे कि परमेश्वर एक दूध पीते बच्चे को माँ छोड़ सकती है, लेकिन वो सामर्थ्य परमेश्वर जो हमें कभी नहीं त्यागता, हमें कभी नहीं छोड़ता, हमारे जीवन के हर एक कार्यों को करने की सामर्थ्य और ताकत तू रखता है, क्योंकि वह सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने इस आकाश और इस धरती को बनाया। और वो जब से बनाया हजारों साल पहले आज तक वो क्या है, स्थिर है, बना हुआ है, ना कोई उसमें है ना कुछ भी कमी नहीं है। कि पहले वो ज्यादा स्ट्रांग सा, समय के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया है, कमजोर हो गया है ना। जब से परमेश्वर ने बनाया वैसा ही है। और इसलिए हम उसकी इन चीजों को जो संसार में हम देखते हैं, तो उन्हें देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वह क्या है, सामर्थ्य है, वह ताकत का परमेश्वर है ना, जो हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। और वो कैसे करेगा, जब हम उस पर वो विश्वास करेंगे जो वह चाहता है। क्योंकि जैसे इफिसियों में लिखा है कि जो लोग विश्वास के साथ उसे पुकारते हैं, विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, वह निश्चय उसकी सुनता है, और जो परिश्रम, जो मेहनत हम उसमें करते हैं, निश्चय वह उसका फल देता है। जैसे हमने इस बहन की गवाही को भी सुना, तो हम इस गवाही से सीख सकते हैं, अगर हम पॉइंटों को पकड़ें, कि परमेश्वर जो लोग उसमें मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत हमारी व्यर्थ नहीं है। चाहे हम उसके साथ थोड़ा समय ही बताएं, उस समय का भी फल परमेश्वर हमें देता है। हो सकते हैं चलते चलते हमारे जीवन में कुछ कमजोरियां, कुछ दुर्बलताएं आए, जिन्हें देखकर हम अपने विश्वास में कमजोर हों, है ना। जब जो विश्वास हम स्टार्ट में हमारे अंदर था, वो धीरे धीरे करके कमजोर हो जाए ना। लेकिन हम जैसे संसार में भी कहते हैं कि अपनी इंसान अपनी गलतियों से क्या है, सीखता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करता है ना। तो हम भी अगर चल रहे हैं, अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है, वो नहीं हो रहा, लेकिन हमें अपने मन को खराब नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने अंदर इस चीज़ को पक्का करना है कि परमेश्वर क्या है, सच्चा है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन निश्चय वो काम हमारे जीवन में प्रकट होगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है। हमारी लाइफ का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि वो कर ना सके, वो करेगा। इस चीज को जब हम अपने मन में पक्का रखेंगे, तो निश्चय हम उस काम को अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर ताकत का परमेश्वर है। वो एक ना एक दिन उस चीज को, उस फल को हमारे जीवन में करेगा ही करेगा। बस हमें उस चीज में लगे रहना, उस परीक्षा में लगे रहना। हो सकता है अगर ये एक दिन इस चीज को है ना, जैसे हो नहीं रहा, आ रहे हैं, हो नहीं रहा, लेकिन एक दिन शैतान इनको तोड़ देता है ना, और ये परमेश्वर को छोड़ देते, लेकिन वो काम होने वाला था। जैसे हम खुदा के दास के द्वारा सीखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज के लिए हम विश्वास करें, जब वो होने वाला होता है, तो शैतान हमें बैक स्लाइड करता है, हमें साइड कर देता है परमेश्वर से, लेकिन वो काम हमारे जीवन में होने वाला होता है ना। तो अगर हम बैक हो जाएंगे, तो हम उस चीज को, उस आशीष को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप अपने मन में इस चीज को हमेशा याद रखोगे, नहीं, परमेश्वर सामर्थ्य है, वो करेगा। हमें लगातार उस बात के लिए धन्यवाद देना है, परमेश्वर को थैंक्स देना है कि परमेश्वर जिस बात के लिए भी मैं विश्वास कर रही, चाहे वो बीमारी है, चाहे अपनी ब्लेसिंग को लेके, कुछ भी कोई नहीं, किसी बच्चे के लिए कर रहे हो, अपने पति के लिए कर रहे हो, या अपनी पत्नी के लिए कर रहे हो, लगातार उस चीज के लिए परमेश्वर को पॉजिटिव विश्वास देना कि नहीं, परमेश्वर तू कर चुका है। कई बार हम सोचते हैं कि कहने के लिए आसान है, लेकिन जब हम उस कंडीशन में होते हैं, हम उस हालात में होते हैं, तो करना मुश्किल होता है। लेकिन नहीं, जो परमेश्वर का नियम है, हमें वो करना ही पड़ेगा। हम उससे बाहर परमेश्वर से काम नहीं ले सकते। अगर परमेश्वर ने कहा है कि तू धन्यवाद दे, मुझे थैंक्स दे,
मैं तेरे लिए इस चीज को करूंगा, तो हमें उस चीज को करना है ताकि हम अपने जीवन में एक दिन उस ब्लेसिंग को ले सके, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर है। हम तो देखो, हम विश्वास करने वाले लोगों को हमेशा इस बात के लिए थैंक्स करना चाहिए कि हम संसार से अलग है। संसार में आज कितने लोग हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है ना। लेकिन हमें तो आशा है, हमारे पास जैसे वचन भी हमें सिखाता है कि वे आशा का दाता है, हमारे पास आशा है कि नहीं, हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जब हम खुदा के दास के साथ अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो परमेश्वर हमें उनके द्वारा उत्तर देगा। लेकिन उन लोगों के लिए, उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जो आज भी उन मुश्किलों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आप लोग, परमेश्वर ने के वचन में लिखा, संसार से अलग किए लोग हो और आप लक्की हो, आप ब्लेस्ड हो कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। आपको परमेश्वर की सच्चाई के बारे में पता है, आप भटक नहीं सकते। अब यहाँ वहाँ जैसे हम लोगों को देखते हैं, तो कई बार जब किसी के साथ हम शेयर करते हैं, वो यहाँ भी जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इस धार्मिकता भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये काम हमारे जीवन में हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा होता ना, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर नहीं है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम परमेश्वर की सच्चाई में, हम उसे, उस जीवते परमेश्वर को जानते हैं जिसने हमें बनाया है, जो हमें रोज हजारों लाखों सांस दे रहा है ना। तो हम उस परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, तो वे हमारे जीवन में क्यों नहीं करेगा, वे करेगा। बस हमें उस मन के साथ, उस विश्वास के साथ उसे पुकारते रहना है, उसे थैंक्स देते रहना है। जब तक हमारे जीवन में वो काम प्रकट ना हो जाए, हमेशा उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहो। और सच में परमेश्वर महान है, वो आपके जीवन में करेगा, वह सच्चा परमेश्वर है, वह करने की ताकत और सामर्थ रखता है। तो मैं इन बातों के लिए परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।